चैप्टर दोस्त हमारा बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स में आज हम लोग इसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसेंशियल एमिनो एसिड्स ये क्या है दोस्त? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो वह एमिनो एसिड जो नहीं बनाता हो शरीर में कहलाता है इसेंशियल एमिनो एसिड्स। यह अनिवार्य है शामिल करना भोजन के रूप में। वही हमारे क्या एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एग्जांपल ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड्स, देखिए दोस्त ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा पोजिशन पर एमिनो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और अल्फा पोजिशन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो उसका नाम हो जाता है वैलाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पर एमिनो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और अल्फा कार्बन पर आइसो ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम क्या होता है? ल्यूसाइन। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स ये एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह एमिनो एसिड जो बनाता हो शरीर में कहलाता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। नहीं जरूरी है शामिल करना भोजन के रूप में, तो वही हमारे क्या नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स का उदाहरण, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा पोजिशन में क्या है? एमिनो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फा पोजिशन में जब एमिनो फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसका नाम हो जाता है ग्लाइसाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन का कहलाता है, और अल्फा कार्बन पर एमिनो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ और अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एलानाइन। एसिड बेस कैरेक्टर के आधार पर वर्गीकरण, तो एमिनो एसिड्स तीन प्रकार के हैं। पहला हमारा है न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, दूसरा है एसिडिक एमिनो एसिड्स और तीसरा है बेसिक एमिनो एसिड्स। तो जिसके पास एमिनो फंक्शनल ग्रुप हो साथ ही साथ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हो उसको बोलते हैं एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, तो एसिड का मतलब है दोस्त कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। और एमिनो का मतलब है एमिनो फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप हो और एमिनो फंक्शनल ग्रुप भी हो कहलाता है एमिनो एसिड। जो धारण करता है बराबर संख्या में अमाइन फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, तो अल्फा कार्बन पर एमिनो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका नाम क्या होता है? ग्लाइसाइन। यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप भी एक्ट हुआ है और अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी एक्ट हुआ है, तो ये कहलाएगा न्यूट्रल एमिनो एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, तो अल्फा कार्बन पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ और मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया एलानाइन। यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट हुआ है और अमाइन ग्रुप भी एक्ट हुआ है, तो ये कहलाएगा न्यूट्रल एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड्स जो धारण करता है ज़्यादा संख्या में कार्बोक्सिल ग्रुप को एमिनो ग्रुप के तुलना में कहलाता है एसिडिक एमिनो एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा पोजिशन पर एमिनो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और अल्फा पोजिशन पर इथेनोइक एसिड भी लगा हुआ है, तो उसका नाम हो जाता है एस्पार्टिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा पोजिशन पर एमिनो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और अल्फा पोजिशन पर प्रोपेनोइक एसिड लगा हुआ है, तो उसका नाम हो जाता है ग्लूटेमिक एसिड। बेसिक एमिनो एसिड्स जो धारण करता है ज़्यादा संख्या में एमिनो ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप के तुलना में कहलाता है बेसिक एमिनो एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो अल्फा पोजिशन पर क्या है? एमिनो ग्रुप है और अल्फा पोजिशन पर CH2 का होल फोर NH2 ग्रुप है, तो उसका नाम हो जाता है लाइसिन। यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप एक ठो और एमिनो ग्रुप दो ठो है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एमिनो एसिड।